देश में राष्ट्रपति के चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में सत्ताधारी पार्टी बीजेपी और विपक्ष की तरफ से उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी गई है। जहां विपक्ष ने भूतपूर्व मंत्री और आईएएस अधिकारी यशवंत सिन्हा का नाम आगे किया है, वहीं सत्ताधारी पार्टी ने द्रौपदी मुर्मू का नाम आगे किया है। आइए जानते हैं कि कौन है बीजेपी की राष्ट्रीय उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और उनकी जिंदगी की खास बातें। उड़ीसा के मयूरगंज जिले के बेतपोशी गांव में 20 जून 1958 को जन्मी द्रौपदी मुर्मू आदिवासी जातीय समूह संथाल से संबंध रखती हैं। उनके पिता का नाम भी रांची नारायण टूडू है। उनका विवाह श्याम चरण मुर्मू से हुआ था। द्रौपदी अपने पति और दो बेटों को खो चुकी हैं। उनकी एक बेटी है जिसका नाम इतिश्री मुर्मू है। उनका बचपन बेहद अभावों और गरीबों में बीता था, लेकिन अपनी स्थिति को उन्होंने अपनी मेहनत के आड़े नहीं आने दिया और भुवनेश्वर के रमा देवी वीमेंस कॉलेज से ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई पूरी की। द्रौपदी मुर्मू ने अपनी बेटी के लिए एक शिक्षक के रूप में कार्य शुरू किया था। राजनीति में आने से पहले द्रौपदी मुर्मू ने एक शिक्षक के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने 1979 से 1983 तक सिंचाई और बिजली विभाग में जूनियर असिस्टेंट के रूप में भी कार्य किया था। इसके बाद 1994 से 1997 तक उन्होंने ऑनरेरी असिस्टेंट टीचर के रूप में भी कार्य किया था। द्रौपदी बीजेडी और बीजेपी की गठबंधन की सरकार में भी मंत्री रह चुकी हैं और 2002 से 2004 तक उन्होंने राज्य में कई पद संभाले। द्रौपदी झारखंड की ऐसी पहली राज्यपाल थी जिन्होंने 2000 में झारखंड के गठन के बाद 5 वर्षों का कार्यकाल पूरा किया था। इसके साथ ही उन्होंने 2015 से 2021 तक राज्य के गवर्नर के रूप में भी अपनी सेवाएं दी थीं। यदि वो इस बार राष्ट्रपति का चुनाव जीत जाती हैं तो वो देश की पहली ट्राइबल राष्ट्रपति और साथ ही देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनने का खिताब अपने नाम करेंगी। उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत तब हुई जब वो सन 2000 और 2004 में वो बीजेपी के टिकट पर रायरंगपुर सीट से विधायक चुनी गई थीं। इसके साथ ही द्रौपदी उड़ीसा से देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचने वाली पहली शख्सियत भी होंगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनना चाहिए या नहीं, आप भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया। नमस्कार।